नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोरबा भाजपा पार्षद की शिकायत के मुताबिक यह घटना नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 इमली डुग्गू के पार्षद सुफल दास महंत के साथ 25 फरवरी की शाम को 5 बजे घटित हुई। पार्षद सुफल दास ने अपने कार्यालय में बैठकर सामाजिक कार्य निपटा रहे थे कि इस दौरान रेस्ट हाउस मोहल्ले की मितानिन प्रभा कुर्रे अपने पति दिनेश कुर्रे के साथ पहुंची और गाली गलौज कर SC ST कास्ट से आने की बात कहते हुए फर्जी केस में फंसा देने की बात कह जाने से मारने की धमकी देने लगी। मितानिन के द्वारा वार्ड में निवासरत महिलाओं के प्रसव के दौरान उन्हें डरा धमका कर पैसा वसूलने की शिकायत करने की वजह बताया। वहीं मितानिन प्रभा कुर्रे ने बताया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार, अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया। सर्वमंगला मंदिर के निकट भंडारा गृह में आज शुक्रवार को मितानिनों और पार्षदों की बैठक रखी गई थी। यहां अपनी अपनी समस्या मितानिनों के द्वारा बताई जा रही थी। इस दौरान जब मेरी बारी आई तो पार्षद सुफल दास ने गंदे कमेंट कर कहा कि सुना है तुम्हारे शरीर में 6 ग्राम खून की कमी है, गार्डन में घूमते हुए देखा है मैंने, मेरे घर आना तुमको स्पेशल टॉनिक दूंगा। पार्षद की इस बात का मैंने वहां पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन घर लौटकर पति को यह बात बताई और इन शब्दों का उत्तर जानने के लिए पार्षद के घर पहुंचे थे। वहां पार्षद ने धमकी देने के लिए आए हो कहकर हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट किया। वहां दूसरे वार्ड के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, जहां आपसी समझाइश हो गई थी और किसी तरह की FIR की बात नहीं हुई थी, लेकिन बाद में पार्षद ने थाना आकर भाजपा वालों के साथ लेकर दबाव पूर्वक FIR दर्ज करा लिया। उनकी कमी है, तुम आज मेरे गार्डन में टहलते हुए नजर आई हो, तुमको क्या दिक्कत, मेरे घर आना, मैं तुमको स्पेशल टॉनिक दूंगा करके मुझे कमेंट करके जो व्यवहार किया, उस टाइम मैंने बड़ों का आदर करते हुए उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं आके अपने घर अपने पति को बताई तो उनसे सलाम मशवरा करने के लिए कि आपने ऐसे गंदे शब्दों को उच्चारण क्यों किया करके उनके घर गए, तो उनके घर में उन्होंने हम लोगों को धमकाने आए हो, मेरे को मारने आए हो करके दरवाज़ा बंद करके हम पति पत्नी को मारा बुरी तरह से और उल्टा हम लोगों को ही आरोप लगा रहे हैं। और ये लड़ाई हम लोग 5 साल से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसका नतीजा आज मुझे इस रूप में मारपीट के रूप में आज मिला है। मैं मौखिक रूप से शिकायत करे हूँ, लिखित रूप से भी हमारे क्या बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक दूसरा नर्स मन भी होकर शिकायत करे हैं। जो शिकायत कब से आते हैं? ओकर शिकायत बहुत मैं कहा तो 3-4 महीने ज़्यादा हो गए भैया, लगातार आते वहाँ ओकर गली के मन कहा थे कि ठीक से ध्यान नहीं दे, डराते चमकाते, कोई अच्छा पूछ देते, जैसे कोई पूछ दी कोई तबीयत खराब है था तो बोला चमका के बात करते, कहा मैं डॉक्टरों का मैं दवाई दूँ का आई थे तभी काम आ गए। अभी भैया मोर ऑफिस में आ गई से और वही शाम के 5:30 बजे और अभी मितानिन मन के कार्यक्रम भी 1:30-2 बजे हम गए रहन वहाँ ले आए हैं। अब आई से घर में तो हाँ गाली गलौज चालू कर दी और लड़ाई झगड़ा मारपीट भी है। तभी हम तत्काल स्टाफ भेजे और अभी थाने में आकर उन्होंने उनके द्वारा थाने में FIR दर्ज कराई जा रही है। इस मामले में सर अब तक तो गिरफ्तारी हो पाई है क्या? उनसे फिलहाल FIR की कार्रवाई चालू है, तत्काल बाद उसके बाद गिरफ्तार की कार्रवाई। विवाद के कारण क्या था सर, क्या बताया? विवाद के कारण आज सर्वमंगला साइड कहीं मीटिंग थी और उस दरमियान विवाद का कारण मुख्य ये है कि सुफलदास जी का स्वयं का कहना है कि इनके द्वारा जो मितानिन का कार्य करते थे उस समय कुछ कुछ बातों को लेकर पैसे रुपये की मांग करते थे, जिसके संबंध में इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को उसके संबंध में अवगत कराई गई थी, जिससे वो नाराज थे।